गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बरुन मैथ्स क्लास। आज हम एक स्पेशल टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे, बेसल्स फंक्शन। ये सीरीज सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। सीरीज सॉल्यूशन में हमने क्या किया, लास्ट वीडियो में पावर सीरीज सॉल्यूशन हम लोगों ने दो पॉइंट पे पढ़ा। एक था जब x बराबर जीरो जो होता है वो ऑर्डिनरी पॉइंट होता है, तो उस पर अपने को सीरीज सॉल्यूशन कैसे करना है उसको लास्ट वीडियो में पूरी तरीके से मैं बता चुका हूँ, पूरे डिटेल्स में बता दिया हूँ, आप उसको ट्राई करते रहिए। और x बराबर जीरो जब सिंगुलर पॉइंट होता है तो उस समय सीरीज सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसल्स फंक्शन। एक स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो इज नोन एज बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे तो वो बेसल्स फंक्शन कहलाएगा। इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज बेसल्स फंक्शन। इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको बेसल्स फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बेसल्स फंक्शन और बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो, इसको अपन बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास वो बेसल्स फंक्शन कहलाएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकाल करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन निकाल के देखिए, देखिए हमारे पास बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। ये अपना बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन अपन जब देंगे तो सॉल्यूशन में क्या रखेंगे, सीरीज सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइम अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपना काम क्या रहता है कि चेक करते हैं कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो जब अपन पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो देन वी गेट पी जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ देखिए जब एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट अप करते हैं तो आपको पी जीरो इक्वल्स टू जीरो मिलता है। तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू जीरो इज अ सिंगुलर पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट हो गया। फिर आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। मैंने लास्ट के वीडियो में आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करता है ये आपको मैं बता दिया, इसको आप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट प्रूफ कीजिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। एक्स बराबर जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे प्रूफ करते हैं,
ये वीडियो नंबर 5 और 6 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो x बराबर 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सो लेट इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन हम क्या मान करके चलते हैं, y इक्वल्स टू ए जीरो एक्स टू द पावर m प्लस ए वन एक्स टू द पावर m प्लस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर m प्लस टू प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर m प्लस थ्री एंड सो ऑन, ऐसा अपन मान करके चलते हैं। या नोटेशन फॉर्म में अपन क्या करते हैं, लेट इट्स सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी के x टू द पावर m प्लस के, ऐसा मान करके चलते हैं अपन। फिर क्या करते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, ये एक्सपांडेड फॉर्म में है और ये नोटेशन फॉर्म में है। यदि आप k की वैल्यू जीरो रखेंगे तो a जीरो x टू द पावर m ये मिलेगा, प्लस समेशन का मतलब प्लस होता है, प्लस k की वैल्यू वन रखेंगे तो a वन x टू द पावर m प्लस वन ये मिलेगा। ऐसा करके आप वैल्यू रखते जाइएगा तो सब चीज़ आपको मिलता चला जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है। फिर अपन क्या करते हैं, अपने को क्या चीज़ का ज़रूरत है, ये y अपन सपोज कर लिए कि इसका सॉल्यूशन ये है, अपने को dy वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी ए के एम प्लस के, और ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस के माइनस वन, ये आपको मिलेगा। फिर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, तो आपको मिलेगा समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के एम प्लस के माइनस वन, और ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस के माइनस टू, ये आपको मिल जाएगी पूरी वैल्यूज, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुटअप करेंगे और इनिशियल इक्वेशन निकालेंगे यहाँ से आप, इसको अपन सपोज कर लेते हैं दिस इज अ इक्वेशन नंबर वन, इसको अपन इक्वेशन नंबर वन पुटअप कर सपोज कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y dy by dx and d square y dx square in equation one we get, अपने को क्या मिलता है देखिए, ये हो गया x square d square y dx square की वैल्यू आप पुट अप कीजिए, तो हो जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ए के एम प्लस के एम प्लस के माइनस वन, और ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस के माइनस टू, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लिए, प्लस x समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए, dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप पुटअप कीजिए, ये क्या है समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के, और ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस के माइनस वन, और एट लास्ट ये इसकी वैल्यू पुट अप कीजिए y की, तो x स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और y की वैल्यू आप पुट अप कीजिएगा तो समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एक्स टू द पावर m प्लस के, और दैट इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपको मिलेगा। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए,
सिंप्लीफाई करने के बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई दैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इस एक्स का मल्टीप्लाई को आप यहाँ कर लीजिए, उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट मिलता है आपको। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा समेसन के इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के एम प्लस के माइनस वन, और ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस के। यहाँ 2 और माइनस 2 ऐड हो करके m प्लस के बन गया। उसी तरीके से यहाँ से x टू द पावर 1 है, इसके साथ भी वो क्या बन जाएगा, m प्लस के हो जाएगा। समेसन k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए के, ये हो जाएगा m प्लस के, और ये हो जाएगा x टू द पावर एम प्लस के, और फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर समेशन। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस समेशन के इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के, और ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस के प्लस 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा तो n स्क्वायर समेसन k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए के x टू द पावर m प्लस के इक्वल्स टू 0। ये आपको पूरा रिजल्ट मिला, ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ x टू द पावर m प्लस के है, पूरे कोफिशियंट को आप एक साथ रख लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करना है तो पूरे को आपको एक साथ रखना पड़ेगा, पूरी वैल्यूज़ को आप सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो से इक्वेट कराएंगे तो आपको इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा। इंडिशियल इक्वेशन में आपको m के दो रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट्स पे आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ m प्लस के यहाँ पास है, m प्लस के यहाँ पास है, m प्लस के यहाँ पास है, तीनों को एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए टू द पावर के, और ये हो जाएगा एम प्लस के, एम प्लस के माइनस वन, एम प्लस के माइनस वन, ये हो गया, और यहाँ पास प्लस प्लस में फिर यहाँ से देखिए ये मिलेगा m प्लस के, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस n स्क्वायर और पूरे का पावर x टू द पावर m प्लस के, और एक पावर बचा है प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी a k x टू द पावर एम प्लस के माइनस टू प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये आपको मिला। अब यहाँ क्या करेंगे, फॉर इंडिशियल इक्वेशन, इंडिशियल इक्वेशन आपको निकालना है। इंडिशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें लोएस्ट डिग्री का टर्म देखिए क्या है, फॉर इंडिशियल इक्वेशन लोएस्ट डिग्री का टर्म यहाँ से देखिए ये x टू द पावर m प्लस के है, ये m प्लस के प्लस 2 है, तो लोएस्ट डिग्री का टर्म आपको कहाँ से मिलेगा, x टू द पावर m प्लस के पर। कोफिशियंट ऑफ फॉर इंडिशियल इक्वेशन, फॉर इंडिशियल इक्वेशन, इंडिशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे,
कोफिशियंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू जीरो। लोएस्ट डिग्री का टर्म आपके पास क्या है, x टू द पावर m है, x टू द पावर m। कैसे मिलेगा आपको x टू द पावर m, when k इक्वल्स टू जीरो, k को आप जीरो पुट अप कीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको, देखिए यहां से a जीरो, यहां से मिलेगा k की वैल्यू जीरो रखेंगे तो m, ये हो जाएगा k की वैल्यू जीरो रखेंगे तो m माइनस वन, यहाँ पास k की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो हो जाएगा a जीरो इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस m माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये आपको मिला। ठीक है, क्योंकि a जीरो यहाँ जीरो नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों जीरो होंगे, इसको आप जीरो से इक्वेट कराएंगे तो m स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n, ये आपको इंडिशियल इक्वेशन मिला, m इज इक्वल्स टू प्लस n और माइनस n, ये रूट्स पे आपको पूरी वैल्यूज़ को निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हायर वाले डिग्री को जीरो से इक्वेट कराएंगे, वहाँ से अब अपना काम है कि ए वन की वैल्यू निकालेंगे, ए टू की वैल्यू निकालेंगे, ए थ्री की वैल्यू निकालेंगे, ए फोर ए फाइव की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए जीरो के फॉर्म में निकालेंगे, है ना। इंडिशियल इक्वेशन निकलने के बाद अपन क्या करेंगे, a1 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की वैल्यू निकालेंगे, a3 की वैल्यू निकालेंगे, a4 की वैल्यू निकालेंगे, a5 की वैल्यू निकालेंगे, याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ जीरो के फॉर्म में निकालेंगे। अब क्या किया, अभी x टू द पावर m को के कोफिशियंट को जीरो से इक्वेट कराया है, अब क्या करेंगे, कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर m प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर m प्लस वन आपको कहां से मिलेगा, यहां k इक्वल्स टू वन रखने से मिलेगा, k इज इक्वल्स टू वन पुट अप करेंगे तो m प्लस वन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा a वन, ये हो जाएगा m प्लस वन, ये हो जाएगा m प्लस, ये हो जाएगा m, हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो ए वन इक्वल्स टू जीरो मिल जाएगा आपको। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ए वन एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एम स्क्वायर, इतना मिलेगा आपको, और यहाँ पास m प्लस वन मिलेगा, ये m प्लस वन, तो ये हो जाएगा a1 वन इज इक्वल्स टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये देखिए ये माइनस एन स्क्वायर है इक्वल्स टू जीरो, तो a1 की वैल्यू जीरो मिलेगी आपको। ठीक है, सभी की वैल्यू को अपने को क्या करना है, जीरो से इक्वेट कराना है, x टू द पावर m प्लस वन आ गया, अब अपने को m प्लस k प्लस टू की वैल्यू को जीरो से इक्वेट कराना है। ठीक है, अब अपने को रिकरेंस रिलेशन चाहिए, एक अपने को रिकरेंस रिलेशन या जनरल फॉर्मूला चाहिए जिसके हेल्प से अपन एक रिकरेंस रिलेशन निकाल सकें और उसके आधार पे a2 a3 a4 की वैल्यू अपन डायरेक्ट निकाल सकें, फॉर रिकरेंस रिलेशन, फॉर रिकरेंस, फॉर रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन निकालने के लिए जो हाईएस्ट पावर है इसका, उसके कोफिशियंट को जीरो से इक्वेट कराएंगे, तो यहाँ पास क्या है, x टू द पावर m प्लस k प्लस टू के कोफिशियंट को जीरो से इक्वेट कराएंगे, तो यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट समेशन में
फर्स्ट समेशन में अपने को k की जगह में k प्लस 2 रखना पड़ेगा, और सेकेंड समेशन में k इक्वल्स टू k ही रहेगा, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी m प्लस k प्लस 2 है। यहाँ पास केवल m प्लस k है, तो m प्लस k प्लस 2 लाने के लिए दो टर्म्स आगे का चाहिए, तो यहाँ k प्लस 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a k प्लस 2, ये हो जाएगा m प्लस k प्लस 2, ये हो जाएगा m प्लस k प्लस 2 माइनस 1, तो m k प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा प्लस m प्लस k प्लस 2, और यहाँ से मिलेगा माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा प्लस ए के एक्स टू द पावर एम प्लस के प्लस 2, ये आपको मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, ए के प्लस 2, यहाँ से आप ये दोनों को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा एम प्लस के प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा एम प्लस के प्लस 1, और ये इसका प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए के इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन में अपने को क्या मिलेगा देखिए, तो ये हो गया आपका एम के प्लस 2, ये भी हो गया एम के प्लस 2, तो ये हो जाएगा ए के प्लस 2, और ये हो जाएगा एम प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए के। ठीक है, तो रिकरेंस रिलेशन जो अपने को मिलेगा वो रिकरेंस रिलेशन ऐसा मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा ए के प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए के अपॉन एम प्लस के प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये अपने को रिकरेंस रिलेशन मिला। अब यहाँ से आप सभी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा मेन टारगेट है A1 की वैल्यू निकालना, A2 की वैल्यू निकालना, A3 की वैल्यू निकालना, A4 की वैल्यू निकालना, A5 की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ A0। इन टर्म्स ऑफ A0 के फॉर्म में मेरे को सभी की वैल्यू चाहिए। तो A1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब मेरे को A2 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे A2 की वैल्यू के लिए, मैं के बराबर 0 पुट अप करता हूँ रिकरेंस रिलेशन में, तो ये मिलेगा A2 इज इक्वल्स टू माइनस A0, और ये हो जाएगा m, k की वैल्यू 0 है, तो m प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये मिलेगा मेरे को A2 की वैल्यू। तो A2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस A0 m प्लस 2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब A3 की वैल्यू चाहिए, A3 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, k इज इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू माइनस A1, और ये हो जाएगा m प्लस k की वैल्यू 1 रखेंगे तो m प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0, वाई बिकॉज A1 इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई A3 इज ऑल्सो 0, ये A3 की वैल्यू जो है 0 मिल गई। अब मेरे को A4 की वैल्यू चाहिए, A4 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, A4 की वैल्यू निकालने के लिए अपने को k इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा A4 इज इक्वल्स टू माइनस A2, और ये हो जाएगा m प्लस 4 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, और इसको इन टर्म्स ऑफ A0 निकालना है,
तो ए टू की वैल्यू को आप यहाँ पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए ज़ीरो एम प्लस टू का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर और ये हो जाएगा एम प्लस फोर का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। तो ए फोर की वैल्यू आपके पास ये आई, ए फोर इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो एम प्लस टू का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर और ये हो जाएगा एम प्लस टू का स्क्वायर एम प्लस फोर का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से के बराबर थ्री रखेंगे तो फाइव की वैल्यू मिलेगी। अब ए फाइव की वैल्यू निकालना है तो k इज इक्वल्स टू थ्री रखेंगे तो ए फाइव की वैल्यू मिलेगी। तो ए फाइव इज इक्वल्स टू माइनस ए थ्री और थ्री रखेंगे तो थ्री टू फाइव एम प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये जीरो मिल जाएगा। वाई बिकॉज ए थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो ए फाइव की वैल्यू जो है ये जीरो मिलेगी। तो आपको जितना वैल्यू निकालना है सभी वैल्यूज़ को आप ये रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे ए ज़ीरो सॉरी चाहे ए वन की वैल्यू हो, चाहे ए टू की वैल्यू हो, चाहे ए थ्री की वैल्यू हो, चाहे ए फोर की वैल्यू हो, ए फाइव की वैल्यू हो, इन टर्म्स ऑफ ए ज़ीरो के फॉर्म में आप इस रिकरेंस रिलेशन से बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पर्याप्त टर्म्स आ गए हैं जिसकी सहायता से अपन इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। इसका सॉल्यूशन आपने शुरू में क्या सपोज किया था, इसका सॉल्यूशन को आपने शुरू में क्या सपोज किया था आप उसी को मान करके चलिए। शुरू में ही हमने सपोज किया था लेट इट्स सॉल्यूशन, लेट इट्स सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो एक्स टू द पावर एम प्लस ए वन एक्स टू द पावर एम प्लस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एम प्लस टू प्लस ए थ्री x टू द पावर m प्लस थ्री प्लस ए फोर एक्स टू द पावर m प्लस फोर प्लस ए फाइव एक्स टू द पावर m प्लस फाइव एंड सो ऑन, ये अपन सपोज करके चले थे। यहाँ से आप क्या कीजिए, x टू द पावर m को आप कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा a ज़ीरो प्लस a वन x प्लस a टू x स्क्वायर प्लस a थ्री एक्स थ्री प्लस ए फोर एक्स फोर प्लस ए फाइव एक्स टू द पावर फाइव, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब पूरी वैल्यूज़ को आप जितने भी ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यूज़ को आप निकाले हैं पूरी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट अप कर लीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m a ज़ीरो और a वन की वैल्यू तो आपके पास ज़ीरो है तो ज़ीरो एक्स हो गया, a टू की वैल्यू आपके पास क्या है, a टू की वैल्यू माइनस a ज़ीरो m प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और x स्क्वायर, ये है। a थ्री की वैल्यू ज़ीरो है तो ये जीरो एक्स क्यू हो गया, ए फोर की वैल्यू क्या है, ए ज़ीरो ये हो जाएगा एम प्लस टू का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर और ये हो जाएगा एम प्लस फोर का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर और ए फाइव की वैल्यू तो ज़ीरो है, इतनी वैल्यू आपने रख लिया। ठीक है, अब आप ये क्या कीजिए, यहाँ से y इज इक्वल्स टू
यहाँ से मैं ए ज़ीरो को भी कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से ए ज़ीरो को कॉमन निकाल लीजिए आप, तो ये आपको मिला वाई इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो एक्स टू द पावर एम, और यहाँ से मिला वन, ए ज़ीरो कॉमन निकाल लिए ज़ीरो है, माइनस ए ज़ीरो को आप बाहर निकाल लिए वन अपॉन एम प्लस टू का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर। ए थ्री आपके पास ज़ीरो है तो ए फोर की वैल्यू वन अपॉन ये हो जाएगा एम प्लस टू का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम प्लस फोर का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें इंडिशियल इक्वेशन में आपने इसकी वैल्यू दो पॉइंट पे निकाली थी, एक था x बराबर m बराबर n और एक था m बराबर माइनस n। यहाँ देखिए पुट m इक्वल्स टू n, फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। इंडिशियल इक्वेशन में आपने m की दो वैल्यू निकाले थे, दो रूट n और माइनस n, इस पे इसकी वैल्यू रूट देना है, इसका सॉल्यूशन देना है, तो ये हो जाएगा y1, पहला सॉल्यूशन है ये एम बराबर एन रखने से, तो ये हो जाएगा ए ज़ीरो एक्स टू द पावर एन, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन, इसको अलग से हल कर लीजिए, ये एन हो जाएगा, एन प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस फोर माइनस एन स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा फोर एन प्लस वन, ये बचा आपके पास। पूरे को जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप अलग से m बराबर n पुट अप करने से, तो आपको ये मिलेगा 4n प्लस 1 और ये मिला x स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए 1 अपॉन, इसको आपने अभी सॉल्व किया है m इक्वल्स टू n रखने से, m इज इक्वल्स टू n रखने से, तो ये मिला आपको 4n प्लस 1, ये आपको यहाँ से मिला, और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी आप m बराबर n रख करके सॉल्व कीजिए, m इक्वल्स टू n रख करके सॉल्व कीजिए, तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा n प्लस 4 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8n प्लस 16 माइनस एन स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 8n n प्लस 2, यहाँ 4 इंटू 2 निकाल दिया मैं, तो ये हो जाएगा 4 को निकाल दिया तो 4 स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा n प्लस 2, ये हो जाएगा x टू द पावर 4, ठीक है। ये पहला रिजल्ट निकला। ठीक है, इस रिजल्ट को अपन y1 बोल दिए, ये रिजल्ट आपका y1 निकल गया, फर्स्ट रिजल्ट निकला। फिर आप क्या कर सकते हैं, पुट m इज इक्वल्स टू माइनस n, m की जगह में माइनस n रखेंगे तो दूसरा रिजल्ट निकलेगा y2 इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो एक्स टू द पावर माइनस n, ये निकलेगा 1 माइनस 4 माइनस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर स्क्वायर माइन इंटू टू माइनस एन प्लस वन माइनस एन प्लस टू एक्स टू द पावर फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट निकला।
अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, हैंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी वन वाई वन और सी टू वाई टू करके रखेंगे तो ये आपका बेसल्स फंक्शन बन गया। ठीक है, तो बेसल्स फंक्शन में देखिए अपन दो कंडीशन में है, इंडिशन इक्वेशन में अपने पास दो रूट आए थे m इक्वल्स टू n, m इक्वल्स टू माइनस n, तो दोनों पे हमने सॉल्यूशन अलग अलग निकाल लिया। यही बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वेरी क्लियर। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओ वेरी क्लियर। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रोकना केवल। इफ वी टेक ए जीरो इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू टू द पावर एन गामा एन प्लस वन, तो अपने को जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो पहला सॉल्यूशन है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो पहला सॉल्यूशन है उसको अपन जे एन एक्स से डिनोट करते हैं, वो क्या कहलाता है? बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन। ये बेसल्स फंक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन का फर्स्ट काइंड का बेसल फंक्शन कहलाता है। इसको ऐसा डिनोट करते हैं जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर, और ये हो जाएगा एक्स बाई टू एन प्लस टू आर, ये हो जाएगा वन अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन। ये ऑर्डर एन का, और माइनस ऑर्डर एन का ऐसा कहलाएगा जे जे माइनस एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर एक्स बाई टू माइनस एन प्लस टू आर, और ये जगह वन अपॉन आर फैक्टोरियल और गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, ये n के लिए है सॉल्यूशन। जब a जीरो की वैल्यू वन अपॉन टू टू द पावर n गामा n प्लस वन रखें तो m बराबर n के लिए बेसल्स फंक्शन है ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n का, ये ऑफ ऑर्डर माइनस n का। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिकरेंस फॉर्मूला फॉर जे एन एक्स। जे एन एक्स के बेसल्स के छह रिकरेंस फॉर्मूले हैं, छह रिकरेंस फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको एक एक करके अपन प्रूफ करेंगे। जैसे फर्स्ट है टू शो दैट डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। ये पहला रिकरेंस रिलेशन अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देखिए जे एन एक्स का क्या मतलब होता है। जे एन एक्स इज अ फॉर्मूला फॉर समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर एक्स बाई टू एन प्लस टू आर और वन अपॉन आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस वन, ये मिलता है। इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, वन अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन। गामा की वैल्यू क्या होती है, लास्ट सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ये होता है गामा की वैल्यू, गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। तो अपने को जे एन एक्स के बदले में क्या प्रूफ करना है, जे एन माइनस वन एक्स। तो इसको आप अलग से पहले नोट कर लीजिए आपको क्या प्रूफ करना है। जे एन माइनस वन एक्स का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए इसके आधार पे, तो क्या हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर आर
x by 2 n minus 1 plus 2r 1 upon r factorial और ये हो जाएगा n minus 1 plus r plus 1 ये आपको मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको अपन कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। वी हैव jnx का क्या वैल्यू है, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r x बाई 2 n प्लस 2r और ये जाएगा 1 अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, x टू द पावर n से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाई x टू द पावर n इन बोथ साइड। वी गेट आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा यहां x टू द पावर n जे एन एक्स दैट इज इक्वल्स टू समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 टू द पावर r, ये हो जाएगा x टू द पावर n का जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 2r और 2 को मैं अलग कर दिया 2n प्लस 2r और ये हो जाएगा 1 अपॉन r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n प्लस r प्लस 1। x टू द पावर n का जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इसके साथ ऐड हो करके वो 2n बन गया और यहाँ से आप चाहे तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 टू द पावर r और ये हो गया x टू द पावर 2 n प्लस r और ये हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 2r, ये हो जाएगा 1 अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू आई, x टू द पावर n जे एन एक्स की वैल्यू आई। सो वी कैन राइट इट एज x टू द पावर n जे एन एक्स दैट इज इक्वल्स टू समेसन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर 2 n प्लस r 2 टू द पावर n प्लस 2r और ये हो जाएगा 1 अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1। अब क्या करना है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। वी गेट ये क्या हो जाएगा d by dx x to the power n jnx। ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट किया तो इस साइड भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, आपको क्या मिलेगा समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 टू द पावर r, ये हो जाएगा 2 n प्लस r अपॉन 2 n प्लस 2 r x टू द पावर 2 n प्लस r माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन r फैक्टोरियल और इसको मैं लिख लिया n प्लस r फैक्टोरियल, ये गामा को मैं n प्लस r फैक्टोरियल लिख लिया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा क्यों लिखा, वाई, बिकॉज वी नो दैट गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, इसलिए मैं n प्लस r प्लस 1 को ये लिख लिया। तो यहाँ से क्या हो गया n प्लस r और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूँ, ये हो जाएगा
r is equals to 0 to infinity minus 1 to the power r, ये 2 इसके साथ माइनस होगा, तो ये हो जाएगा n plus r, ये 2 to the power n minus 1 plus 2r, ये ऐसा हो जाएगा, denominator माइनस होगा तो, ये हो जाएगा x to the power 2n plus 2r minus 1, और ये हो जाएगा 1 upon r factorial, और इसको factorial को एक आगे चला देंगे तो n plus r, और ये हो जाएगा n plus r minus 1 factorial, तो ये और ये यहाँ से cancel हो जाएंगे, और x to the power n को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो x to the power n summation r is equals to 0 to infinity minus 1 to the power r, और यहाँ बचेगा आपका x to the power n minus 1 plus 2r, एक n को मैं बाहर निकाल लिया तो यहाँ n बचेगा n minus 1 2r, और इसको भी कर दिया सेम है तो n minus 1 2r, ये हो गया 1 upon r factorial, और इसको मैं गामा के फॉर्म में प्लस 1 करके लिख दूंगा n minus 1 plus r plus 1, ऐसे लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो गामा n plus r आएगा, तो फैक्टोरियल के फॉर्म में n plus r minus 1 आ जाएगा, तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, इस साइड आप क्या लिख रहे हैं, d by dx of x to the power n j n x, और ये जो है देखिए ये क्या है x to the power n, और ये पूरा जो फॉर्मूला है ये किसका बना, ये पूरा फॉर्मूला किसका बना, यहाँ से आप देख लीजिए n minus 1 minus 1 to the power r x by 2 n minus 1 2r 1 upon r, और ये तो ये j n minus 1 x का फॉर्मूला बना, तो ये प्रूफ हो गया d by dx of x to the power n j x to the power n j n x equals to x to the power n j n minus 1 x, ये recurrence फॉर्मूला नंबर 1 था, और इसके बाकी recurrence फॉर्मूले को अपन कल देखेंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, यदि आपको जो समझ में नहीं आया है वो मेरे कमेंट बॉक्स में जा